हेलो फ्रेंड, आज हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग वे बताएंगे जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है और इसे हमने ऐसे फोल्ड किया है और इसे हम ऐसे करके फुल लेयर में कर लेंगे इस तरीके से। और इसे यहाँ से हम अपने नाप लेंगे, इसे हम यहाँ से लेंगे 10.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से पहले हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से इसे हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ अपना गला नापेंगे। गला रखेंगे हम 2.5 इंच पर। हम जो गले की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। यहाँ से भी हम इसे 2.5 लेंगे और इसे इससे सीधा मिला देंगे और इसमें हल्का सा कर्व देंगे इसे। उसके बाद हम यहाँ से अपना तीरा नापेंगे, वो रखेंगे हम 6.5 इंच। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ से हम ये रखेंगे 7 इंच। इसे ऐसे मिला देंगे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद में हम यहाँ से अपनी ब्रश नापेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम अपनी ब्रश नापेंगे जो हमारी है 32 इंच। 32 का 4th भाग निकाला है वो है हमारा 8 इंच। एक मार्किंग हम यहाँ पर 8 इंच पर करेंगे। और जो हमारी कमर है वो है हमारी 28, तो उसका हमने 4th भाग निकाला है वो है 27। 28 इंच उसका 7 यहाँ पर। इसमें 2 इंच कपड़ा हम लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये यहाँ से हम रखेंगे 10 इंच। देखिए यहाँ से हम इसे 10 पर लेंगे और यहाँ पर भी हम 2 इंच कपड़ा लूजिंग के लिए रखेंगे, तो यहाँ पर हम 9 इंच लेंगे। इसे इससे ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। और जो हमारे ये आर्म होल है उसके लिए हमने जो मार्किंग की है, यह जो बैक वाला पीस है उसमें हम 1.5 इंच पे लगाएंगे और जो फ्रंट है उस पर हम 1 इंच पे लगाएंगे। उसे हम इस तरीके से कर्व देंगे, पहले हम फ्रंट बैक वाले को देंगे इस तरीके से, फिर हम ये फ्रंट वाले को और 1/2 इंच यहाँ से ऐसे लेके ऐसे लगाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरीके से लेना है और यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना है और यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेना है गले की साइड से, ऐसे करके ऐसे जैसे हमने इस पे मार्किंग की है उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे अपनी। ये देखिए, पहले हम बैक वाले पीस की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसे हम यहाँ से जो गले की साइड है उसे भी अलग कर लेंगे। ये देखिए तो पहले हम फ्रंट वाले फेस की कटिंग करेंगे। यहाँ से पहले गले की कटिंग करेंगे हम। और फिर ये जो हमने आर्म होल कर मार्किंग की हुई थी उस पर भी कटिंग करेंगे। ये देखिए, जो हम अपनी लंबाई तैयार रखेंगे वो रखेंगे हम 13 इंच। ये हमने कपड़ा लिया है 14 इंच, तो इसमें जो हमें प्लेटें डालनी है वो हम यहाँ से 11 इंच पे डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं इस तरीके से। और इससे यहाँ से हम इसे 2 इंच की दूरी पर एक और ले जाएंगे ऐसे, और इसे यहाँ से ऐसे, और इसे यहाँ से 2 इंच इस तरीके से।
इसे यहाँ से हम पहले बीच से अलग कर लेंगे। और इस वाले पीस को ऐसे रख के और इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देखिए, तब हम इसे ऐसे पलट के सीधा करेंगे तो इस पर हल्की हल्की मार्किंग होगी, उसे हम सही से कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पीस कट के तैयार है। और हम अपने बैक वाले पीस की कटिंग करेंगे। इसमें गला हम आप अपने हिसाब से रखें। इसमें हम गला 5 इंच रखेंगे बैक वाला, लंबाई यहाँ से 5 रखेंगे और यहाँ से ऊपर से हम इसे ढाई लेंगे और यहाँ से भी ढाई लेंगे। इस तरीके से इसे कर्व देंगे और इसे ऐसे ही कट कर देंगे जैसे हमने मार्किंग की हुई है। ये देखिए, इसे पूरे को इस तरीके से कट करना है। और इसमें बैक वाले में भी हम जो प्लेटें डालेंगे उसकी मार्किंग करेंगे, वो यहाँ से हम 4 इंच पर करेंगे यहाँ से, और इस तरीके से इसे यहाँ से मार्किंग कर लेंगे ऐसे। और यहाँ से इसे हम 4 इंच की रखेंगे इस तरीके से, ऐसे ही पलट के इधर की साइड भी कर लेंगे। देखिए, और जो इसकी हम आई हुक वाली पट्टियां निकालेंगे वो इसमें से निकालेंगे हम। ये हमारे जो आर्म होल थे उनमें से कपड़ा कट हुआ था उसमें से ही निकालेंगे, ये ऐसे एक सार कर लेंगे इसको। ये देखिए, ये हमारी पट्टियां हैं आई हुक वाली। और इसकी जो हम अस्तर बाजू कट करेंगे, ये देखिए, ये हमने बाजू के लिए कपड़ा लिया है, ये हमारा 2 लेयर में, इसे हम ऐसे फुल लेयर में कर लेंगे। और यहाँ से हम बाजू की जो लंबाई रखेंगे वो तैयार हम रखेंगे 4 इंच, तो हमने ये 5 इंच कपड़ा लिया है। लेकिन हम इसे नीचे से मोड़ेंगे नहीं, अगर आप मोड़ती हैं तो और फालतू ले सकती हैं। ये हमने यहाँ से 9 इंच लिया है। अब जैसे हमारा यहाँ से 5 इंच है तो हम यहाँ से इसे 3 इंच लेंगे इस तरीके से, और इसे कुछ इस तरीके से शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से आप अपनी फिटिंग के हिसाब से रख सकती हैं। जैसे हमारी फिटिंग है 6 इंच, तो हम 2 इंच और कपड़ा लूजिंग के लिए रखेंगे, तो यहाँ से हम 8 रखेंगे और इसे ऐसे मिला देंगे। इसी तरीके से कट करेंगे इसे, और यहाँ से हम करीब 1/2 इंच जो फ्रंट पीस है उसके लिए और लेंगे इस तरीके से। इसकी कटिंग ऐसे करेंगे। इसे ऐसे ही कट कर लेंगे। और इसे यहाँ से ऐसे खोल के जो हमने 1/2 इंच पे और मार्किंग की थी उस पर कट करेंगे। ये हमारे फ्रंट पीस में जॉइंट होगा कट वाला, ये हमारा कट वाला हिस्सा फ्रंट पीस में जॉइंट होगा। ये हमने ब्लाउज की कटिंग करी है कपड़े की, और ये जो हमारा कपड़ा है इसकी करेंगे, हमने अस्तर की कटिंग की हुई थी। ये देखिए, इसे ऐसे रख के इसके ऊपर कट करना है। ये देखिए, ये कपड़ा हमने 4 लेयर में कर लिया है, और इसके ऊपर हम इसे बैक वाले पीस को ऐसे रखेंगे। इसके ऊपर हमें बैक वाला पीस ही रखना है, क्योंकि फ्रंट वाले पीस की जो आर्म होल की कटिंग हुई होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम पहले इसमें बैक वाला पीस रखेंगे ऐसे, और उसी हिसाब से इस पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इस कपड़े की कटिंग करनी है।
ये देखिए ये हमने कट किया है, और इसके हम पीस को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला पीस है और ये हमारा फ्रंट वाला पीस है। इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पीस रख के इसके गले की और आर्म होल की फिर से कटिंग करेंगे। ये देखिए देखिए इसे हमने से यहाँ से रख के इस तरीके से इसकी गले की कटिंग करेंगे। और इसको भी बीच से हम कट कर लेंगे ऐसे ऐसे। और जैसे हमने इसे रख के कट किया है ऐसे इसकी हम बाजू कट करेंगे। ये देखिए ये दो हमने दो लेयर में कपड़े को इस पर फोल्ड किया है, और ऐसे करके हमें इसके ऊपर एक बाजू को रखना है। और जैसे ही यहाँ से बाजू की ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। ऐसी शेप में से हम कट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए इसकी बाजू कट कर लिए हमने, और जो हम इसकी पट्टियाँ लगाएंगे पाइपिंग लगाएंगे जो, वो हम ऐसे ओरिव शेप में कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए और इसको हम करीब 1.5 इंच चौड़ी कट करेंगे यहाँ से। ये देखिए इस हिसाब से यहाँ से हम इसे 1.5 इंच चौड़ी कट करेंगे पूरी पाइपिंग को। ऐसे ही हम इसमें से कट करेंगे। जितनी भी पट्टियां हमें लगानी है गले के अंदर उतनी हम ओरिव शेप में कट कर लेंगे 1.5 इंच की, उससे हम ये पाइपिंग बनाएंगे। ये अब हमारा अस्तर ब्लाउज आपके सामने कट के तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।